नमस्कार, शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि भुट्टे के क्या फायदे हैं। भुट्टा यानी कि मक्का। कहते हैं ना कि हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, कच्चे पक्के बाल हैं उसके, मुखड़ा है सुहाना, बोलो क्या। भुट्टा, जी हाँ, आपको पता है कि भुट्टा जो है आजकल बाजार में, जो बरसात का मौसम हो रहा है, भुट्टा बहुत आता है। और नरम भुट्टो को भूनकर घी या नींबू और नमक लगाकर खाने का जब मजा है ना, कमाल है। उससे दांत और जबड़े दोनों मजबूत होते हैं और बच्चों को अवश्य देना चाहिए। और जब भी आप भुने हुए भुट्टे को खाएं तो पहले दानों को खाकर बचे हिस्से को फेंके नहीं, बल्कि उसे बीच से दो टुकड़े हुए तोड़ लें और फिर अंदर वाले भाग को सूंघे। इससे दाने जल्दी से पच जाते हैं और इन्हें गाय को खिला दें। कुछ टुकड़ों को जलाकर राख जमा कर लें और आवश्यकता अनुसार श्वास रोगों में प्रयोग करें। इसमें सेंधा नमक मिला लीजिएगा। हर रोज कम से कम 4 बार 1/4 चम्मच हल्का गर्म पानी के साथ फांक लीजिए। खांसी समाप्त हो जाएगी, विशेषकर कुरकुर खांसी से बड़ी राहत मिलेगी। भुट्टे थोड़े कड़े हो तो इसके दानों को कद्दूकस कस कर लें और उसको उपमा की तरह स्वादिष्ट व्यंजन बना लें और हल्का सा उसमें बेसन डालकर गर्मा गर्म पकौड़ियां बन सकती हैं इसकी। किसी को उबला हुआ भुट्टा पसंद है, किसी को उसकी करी। ताजे भुट्टों को कद्दूकस का सूप में मिलाए तो उसका अलग ही स्वाद है। भुट्टे से मीठा हलवा भी बनता है। आयुर्वेद के अनुसार भुट्टा तृप्तिदायक, वातकारक, कफ पित्तनाशक, मधुर और रुचि उत्पादक अनाज है। इसकी खासियत यह है कि पकाने के बाद इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। पके हुए भुट्टे में पाया जाने वाला कैरोटीनॉइड विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत होता है। और भुट्टे को पकाने के बाद उसके 50% एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। ये बढ़ती उम्र को रोकता है, कैंसर से लड़ने में मदद करता है। पके हुए भुट्टे में फेरुलिक एसिड होता है जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मददगार होता है। इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल फाइटर माना जाता है, जो दिल के मरीजों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और बच्चों के विकास के लिए भुट्टा बहुत फायदेमंद माना जाता है। ताजे दूधिया, जो अच्छा कच्चा पका हुआ, बिल्कुल कच्चा हो, ये बहुत पका हुआ ना हो, मक्का के दाने पीस कर एक खाली शीशी में भरकर उसे धूप में रखिए। और जब उसका दूध सूख कर उठ जाए और शीशी में केवल तेल रह जाए तो उसे छान लीजिए। इस तेल को बच्चों के पैरों में मालिश कीजिए। इससे बच्चों के पैर ज्यादा मजबूत होंगे और बच्चा जल्दी चलने लगेगा। इस तेल को पीने से शरीर शक्तिशाली होता है। हर रोज 1 चम्मच तेल को चीनी के बने शरबत में मिलाकर पीने से बल मिलता है। ताजे मक्का के भुट्टे को पानी में उबालकर और उस पानी को छानकर मिश्री मिलाकर पीने से पेशाब की जलन व गुर्दे की कमजोरी समाप्त हो जाती है। और टीबी के मरीजों के लिए मक्का बहुत फायदेमंद है। टीबी के मरीजों को, या तो जिन्हें टीबी होने की आशंका हो, हर रोज मक्के की रोटी खानी चाहिए। इससे टीबी के इलाज में उनको बहुत फायदा मिलता है। मक्के के जो बाल है ना, उसका उपयोग पथरी के रोग में किया जाता है। पथरी से बचाव के लिए रात भर सिल्क को, उसके बालों को पानी में भिगोकर सुबह सिल्क हटाकर पानी पीने से लाभ होता है। पथरी के उपचार में सिल्क को पानी में उबालकर बनाए गए काढ़े का प्रयोग करने से भी आपको पथरी में आराम मिलेगा। और गेहूं के आटे के स्थान पर मक्के के आटे का प्रयोग करें तो ये लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। इसमें प्रचुर मात्रा में रेशा भरा होता है, जो खाने से पेट के डाइजेशन को अच्छा रखता है, कब्ज को, बवासीर को और पेट के कैंसर को होने से बचाता है। भुट्टे के पीले दानों में बहुत सारा मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, फास्फोरस, ये सब जो हड्डियों को मजबूत करता है। स्किन रैश और खुजली के लिए भी भुट्टे का प्रयोग किया जाता है, इससे स्किन बहुत कोमल बन जाती है। एनीमिया को दूर करने के लिए भुट्टा खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन बी और फोलिक एसिड रहता है। भुट्टा दिल की बीमारी को दूर करने में बहुत सहायक है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, कैरोटीनॉइड और बायोफ्लेविनाइड पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से बचाता है और शरीर में खून के फ्लो को एकदम परफेक्ट रखकर बढ़ाता है। इसका जो सेवन है प्रेगनेंसी में भी बहुत लाभदायक है। गर्भवती महिला को आहार में इसका सेवन करना चाहिए। इसके अंदर फोलिक एसिड पाया जाता है, जो जिसकी कमी से होने वाला बच्चा अंडरवेट हो सकता है और कई अन्य बीमारियों से पीड़ित हो सकता है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि आप
सेवन कीजिएगा।